जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी एक बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट में दोस्तों बम्पर भर्ती निकल के आ रही है जो कि है दोस्तों ESIC। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है। ये दोस्तों भारत सरकार का रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये है एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही अच्छा विभाग है, ठीक है। इस पे आपका सिलेक्शन होगा, केंद्र सरकार के विभिन्न पोस्ट में दोस्तों यहां पर वैकेंसी निकल रही है। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 12,000 से ऊपर आपका सीट निकल के आएगा, 12,300 के समथिंग इस पे सीट है, ठीक है। और ये सरकारी वैकेंसी है। इस पे दोस्तों कौन कौन सा पोस्ट है, सबसे जो विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं वो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके बाद है LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके बाद है UDC अपर डिवीजन क्लर्क, इसके बाद है SSO, ये है दोस्तों सोशल सर्विस ऑफिसर का पोस्ट है, इसके बाद हेड क्लर्क का भी वैकेंसी है। इनमें से कुछ कुछ पद जो है वो डिपार्टमेंटल भरा जाएगा और कुछ कुछ पद जो है वो फ्रेशर के लिए होगा, यानी जो नए विद्यार्थी हैं वो उसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। ये जो LDC है ये डिपार्टमेंटल भरने का ज़्यादातर उम्मीद है। देखिए MTS की बात करेंगे तो कम से कम 18 साल आपका एज होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, अधिक से अधिक 25 साल प्लस में 3 साल और 5 साल का OBC SC ST को रिलैक्सेशन मिलेगा। योग्यता इस पे मांगेगा 10th पास, यदि आप 10th पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। आपका नौकरी अपने राज्य में हो सकता है, ठीक है। अभी जॉब प्रोफाइल वगैरह भी बताएंगे, आपके होम स्टेट में ही नौकरी हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया मौका आपके पास। UDC देख लीजिए, कम से कम 18 साल चाहिए, अधिक से अधिक 27 साल, रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा 3 और 5, और इस पे डिग्री मांगेगा, यानी किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो भर पाओगे। SSO की बात करेंगे तो मैक्सिमम 30 इयर्स तक यदि आपका एज है तो भी आप अप्लाई कर पाइएगा, इस पे डिग्री मांगेगा। तो मेनली यही सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। और सबसे आसान जो पोस्ट है दोस्तों MTS का है, तो आप इसके लिए दिमाग लगा सकते हो। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे दोस्तों तो MTS वाला जो पोस्ट है बाकी पदों से अलग है। MTS में प्री और मेंस दो ठो एग्जाम होगा, और UDC की बात करेंगे तो इस पे आपका प्री एग्जाम लेगा, मेंस एग्जाम लेगा, और इस पे आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसके बाद SSO देख लीजिए, सोशल सर्विस ऑफिसर है ये दोस्तों, UPSC के द्वारा इसको इसकी बहाली जो है UPSC करेगा, SSO का, ठीक है। UPSC के माध्यम से इसका बहाली होगा। प्री मेंस और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह इस पे होगा। सैलरी दोस्तों बहुत ही बढ़िया है इस पे दोस्तों, शुरुआती वेतन आपका 32,000 जो हम बता रहे हैं MTS का, ठीक है। बाकी का 65,000, किसी का 45,000, इस तरह सैलरी है। 1,60,000 तक आपका शुरुआती वेतन है, और जैसे ही 4-5 साल 10 साल पुराना हो जाएगा तो आपका वेतन बहुत बढ़ जाएगा, 65,000 70,000 इस तरह सैलरी मिलता है दोस्तों। लोग तो शुरुआती वेतन देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते हैं कि 5 साल नौकरी करने के बाद उसका अभी वेतन कितना मिल रहा है। जैसे कि होता है ना कि जैसे रेलवे में कोई ज्वाइन किया तो शुरू शुरू में ही लोग उससे पूछते हैं कि कितना वेतन है, तो बता दिया 32,000 35,000, लेकिन जैसे उसका 5 साल 10 साल नौकरी हो जाता है तब कितना वेतन मिलता है पता है, बहुत ज़्यादा वेतन बढ़ जाता है। हर साल कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ता रहता है, तो वेतन अपने आप में बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। देखिए अब जो बात करेंगे कि जॉब लोकेशन आपका कहाँ होगा, ये जो वैकेंसी भराएगा इस पे वैकेंसी भरते समय आपसे पूछेगा कि आप कौन से राज्य से फॉर्म को भरने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आप राजस्थान के हो और भर दोगे उत्तर प्रदेश से, तो आपका नौकरी उत्तर प्रदेश में होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश से ही भर दो, वहाँ भी आपकी नौकरी हो जाएगी। आपके अपने राज्य में वैकेंसी होगा, हर राज्य में इस पे सीट रहेगा, ठीक है। तो जॉब लोकेशन आपके होम स्टेट में ही होगा, काफी बढ़िया मौका। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी एग्जाम जाकर के दे सकते हैं, इस पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए अप्लाई करने में दोस्तों कितना पैसा लगेगा, जनरल OBC AWC इनका 500 रुपये पेमेंट दोस्तों मांगता है, ठीक है। और अदर कैटेगरी की बात करेंगे तो 250 रुपीज इस पे पेमेंट मांग रहा है। सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, अभी अप्लाई डेट भी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सिलेबस में रीजनिंग, GK करंट अफेयर्स, मैथ और इंग्लिश, यही चार चीज से ये क्वेश्चन पूछता है। तो यदि आप SSC का तैयारी करते हो
तो इसका भी सिलेबस वही है, लगभग कवर हो जाएगा, ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों अप्लाई कब होगा। तो देखिए दोस्तों, ईएसआईसी के द्वारा एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि बहुत सारा पद जो ये सब है, इस सब का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, नया नया क्या क्या नियम लग रहा है। तो दोस्तों ये वैकेंसी कंफर्म आने वाला है, देखिए 2024 के क्वार्टर में फर्स्ट में ये वैकेंसी आ जाएगा। जनवरी फरवरी में दोस्तों ये वैकेंसी आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिमाग में रखिएगा हमेशा कि ये वाला वैकेंसी निकलेगा तो हम भरेंगे, ये वैकेंसी आ रहा है। कहीं कहीं चर्चा में है कि 17,000 वैकेंसी है, कहीं कहीं चर्चा में है कि 12,000 वैकेंसी है। तो अब देखिए कितना सीट के लिए वैकेंसी निकलता है, तो ये वैकेंसी आने वाला है। मतलब हम इसलिए बता दिए क्योंकि होता है ना, बहुत सारे विद्यार्थी रेलवे का इंतजार कर रहे हैं, करते हैं कि नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो आप इसको भी दिमाग के कोने में बैठाइएगा कि ये वाला वैकेंसी निकलने वाला है, ठीक है। इसलिए हम बता दिए, इसको भी आप लोगों को 100% भरना है दोस्तों। इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे नोटिफिकेशन वगैरह निकलता तो सारा चीज हम वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड कर देते हैं, और इसका पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, यहां भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, नीचे जो काला वाला बटन है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम वीडियो बना करके आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।